उठाने से लग गया। हेलो। हेलो, हाँ आपको मैडम बोल रही है? लाओ नहीं भाई, रॉन्ग नंबर है। लाओ। अरे एक मिनट रुक जा, गाड़ी है मत। हम आप तो कौन नहीं है बोल रहे राइटर हो? नंबर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हो? अरे आप नंबर रॉन्ग नहीं है, नंबर राइट है। आप बताइए बोल कहाँ तो से। आप नाम बताइए ना, फोन आपने किया। आप कौन बोल रहे हो? अरे आपको बोल रहा है ना, अच्छा, आपका नाम अफ्फू है? अरे आपका मेरा नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो अपना नाम बताइए अच्छा आपका नाम क्या है? पहले। आप तो बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मुस्तफा रजा खान। मेरा नाम मुस्तफा रजा। अच्छा, मुस्तफा भाई बताइए। हाँ आप बताइए। हाँ बताइए, आपने फोन किया, क्या काम है? आप वही बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। मैं आपसे सभी कुछ बातचीत हाँ भाई, मसला मैं पूछना अफ्फू बोल आपसे। रहा हूँ, बताइए। हाँ हेलो, बोलिए भाई, मैं अफ्फू बोल रहा हूँ, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? भाई। मैं तो फोन से बोल रहा हूँ, फोन कहाँ से? अरे से। हजरत, हमें एक मसला पूछना था, बताइए नमाज के फराइज पूछने थे। बस 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 भाई। नमाज से पहले आपको नहाना पड़ेगा, तो पहले आपको नहाने के ताल्लुक से बता देते हैं, ठीक है, कि ना, इंसान को तरकीब नहाना से बता कैसे चाहिए, दीजिए गुसल हजरत, करना चाहिए, ठीक है? ना तरकीब से बता दीजिए, तरकीब से बता दीजिए। हाँ, तरतीब से बता रहे हैं कि आप माशाल्लाह, आप हैं मेरे भाई बरेलवी, तो सबसे पहले आपको मेरे भाई जो दीन इस्लाम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा पहले आप मेरे भाई अपने दिल से कहिए कि आप एक अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पहले उसको हाँ, मानिए। मानते हैं मानते हैं। नहीं ऐसे ऐसे नहीं मेरे भाई, जुबान से मेरे भाई अरे इकरार मैं कीजिए ना, ला मुसलमान ही इलाहा हूँ, एक इल्लल्लाह अल्लाह ये को कहिए। मानता हूँ जी। अल्लाह को मानते हैं ना, तो यानी कि ये पीर बाबा और ये दरगाह मजार अस्थाना, इसको तो नहीं मानते? अरे आ गया, मानता हूँ। हाँ, तो फिर आप हो ही नहीं सकते मुसलमान ना, तो इसीलिए पहले मेरे भाई इस्लाम कबूल तो कीजिए, उसके मुसलमान ना बाद नमाज होने की पढ़िएगा दलील, ना। दलील अरे तो मुसलमान ना होने की कोई दलील दलील तो दीजिए मुझे। हाँ, तो मेरे भाई अभी भाई हमने आपसे क्या बताया कि अगर किसी को इस्लाम एक्सेप्ट करना है तो उसको मेरे भाई हाँ दिल से जुबान से ये इकरार करना पड़ेगा कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो आप तो मेरे भाई अल्लाह के अलावा जो दरगाह मजार अस्थाना पीर बाबा इनको माबूद आपने बना लिया है, तो आपको सारे माबूदों का इनकार करना पड़ेगा। तो जुबान तो से हजरत इनकार जरा कीजिए कलमा दरगाह पढ़ के मजार बताइए अस्थाने का। जरा मुझे, जरा अरे हम कलमा आपको सही सिखा रहे बाबा। हैं या आपको मेरे भाई खुद पढ़ के बताएंगे? अजीब आदमी मेरे भाई, पूछने के लिए आपने फोन किया है ना, तो हम आपको मेरे भाई सिखा रहे हैं ना दीन। आप पहले तौहीद तो अपना मेरे भाई अच्छा कर लीजिए, अभी तौहीद आपका अच्छा नहीं है अच्छा और आप नमाज के जो शरायत हैं, फराइज हैं, वाजिबात हैं, उनमें अटके हुए हैं। तो पता नहीं है क्या? नहीं हमें तो पता, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, हमने तुम्हारे आलिमों को मेरे भाई सिखा रखा है, जितनी बात की उसका तो उतना तुमको जवाब सिखा दे दीजिए, देंगे, क्या बात दिक्कत खत्म है? हो तो बताइए ना मेरे भाई, गई। नहीं, जितनी आपसे बात पूछी है जुबान उतना से जवाब कहिए दे ना दीजिए कि आप। मैं किसी पीर बाबा दरगाह अस्थाने पे नहीं जाता हूँ, मन्नते मुरादे दुआएं मैं उनसे नहीं मांगता हूँ, मैं एक अल्लाह सुबहान तआला को मानता हूँ, एक अल्लाह की नमाज इबादत करता हूँ और उसी से मदद मांगता हूँ, ये कहिए जुबान से। एक अल्लाह का जिक्र सिर्फ कहाँ पर है हजरत? माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है सूरह इखलास की आयत नंबर 1 में, उसमें फरमाता है कुल हो अल्लाह हु अहद, तो ये कुरान कहो कौन कि लेकर अल्लाह आया एक था? है, तो अल्लाह एक है ये आप कह रहे हो, कुरान कहाँ किसमें लिखा है नाजिल अल्लाह हुआ एक है? था? ये तो कुरान कौन लेकर आया था? खुदा लेकर आया था कुरान? हैं? हाँ कुरान कौन लेकर आया था जमीन पर? नहीं भाई, कुरान तो आपके अम्मी अब्बू लेके आए होंगे मार्केट बाजार से खरीद के। नहीं ना मुझे लग रहा है कि आपके अम्मी अब्बू लेकर आया हूँ हजरत। मेरे तो मेरे भाई दादाजी मेरे पे खरीद के लाए थे, आप तो वही सिर्फ अलहमदुल्ला अल्लाह को रखा हुआ मानते है। हैं तो अल्लाह ने डायरेक्ट भेजा था क्या तुम्हारे घर पे? अरे नहीं तो डायरेक्ट तो क्या पीर बाबा दरगाह मजार के अंदर से मेरे भाई निकला था कुरान, अरे मतलब के दरगाह मजार आस्थाने के अंदर से बाहर आया था कुरान। नहीं तो मतलब नबी तो आए होंगे ना, ये सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, ये तो सिर्फ अल्लाह ही है, नबी नहीं है कुछ।
अरे तो नबी पे तो बाद में आ रहे हैं ना, पहले आप कलमे का जो एक पार्ट है पहले उसको तो कंप्लीट कीजिए कि ला हाँ तो इलाहा मैं वो इल्लल्लाह, ही कह रहा हूँ कि उसके पूरा बाद कलमा आते हैं ना क्या है मोहम्मद फिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। पहले आप हाँ जो ठीक है, कलमे का ये जो बचन एक में है पार्ट ना, है, एक पार्टीशन है, पहले उसका तो इकरार कीजिए, बाद में अगले पार्ट पे भी आ रहे हैं। अच्छा जो तौहीद है आप उसको छोटा ना समझिए, ठीक है, करना तौहीद बहुत पड़ा बड़ा है। इस दुनिया में आने का है। मकसद ही तौहीद है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और एक अल्लाह से मदद, क्योंकि अल्लाह सुबहान व अच्छा तआला ने सूरह भाई वो उसमें क्या बोलते हैं ये गालिबन जारियात में ये फरमा दिया है कि हमने इंसानों को जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ना अच्छा कि दरगाह मजार आस्थाने की इबादत के लिए। तो अच्छा पहले तौहीद अपना मेरे भाई दुरुस्त कीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम की जो मेरे भाई बुनियादें हैं वो है पांच। हाँ पहला है तौहीद, उसके बाद आता है नमाज। तो पहले तौहीद को अपना मेरे भाई दुरुस्त कीजिए, जब तौहीद आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा तो फिर मेरे भाई नमाज के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, आदाब हैं, मुस्तहबात हैं, सब आपको सिखाएंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमने कब मना किया सिखाने को? आपसे लेकिन मैंने सिर्फ एक आपने सवाल कहा मैं किया था शुरुआत से हजरत, हमको आपने सिखाओ, तो मैं इतने सारे शुरुआत से सवाल सिखा रहे पूछे, हैं। आपसे मैंने एक सवाल किया था, आपने इतने सारे जवाब उसमें मैंने दिए। सवाल नहीं किया आपसे एक भी, मैं तो कह रहा हूँ इकरार मैं जवाब कीजिए की बात ना। कर रहा हूँ, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं हाँ तो जवाब आप, कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ आपसे जिस अरे बात का चलिए जवाब दिल से मांगा ना था आपने सही, वो मेरे बात भाई तो मुझे जुबान से बताई नहीं। इनकार करने की हिम्मत आप कीजिए तौहीद की बात कि कर अब रहे तो हैं, भाई मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और एक अल्लाह से मदद मांगता हूँ। मैं ना गौसे आजम से हाँ मदद मैं सिर्फ मांगता एक ही हूँ, अल्लाह को ना मानता हूँ, मैं बाबा चार से, पांच ना अल्लाह को नहीं पीर मानता से, हूँ ना मांग मेरे अल्लाह भाई रब वो गरीब العالمين। नवाज से, मैं किसी से मदद नहीं मांगता हूँ। आप कहिए जुबान से, मैं तो माशाल्लाह मैं ख्वाजा गरीब नवाज को मैं खुदा नहीं मानता हूँ। हाँ तो मदद फिर मेरे भाई वो आपकी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो गैब है तो गैब में तो अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने आपसे कहा ही नहीं है कि मैं नहीं, ख्वाजा गरीब औलाद नवाज देने वाला मीरा अल्लाह पे ताला जाता है ना। हूँ या मानता हूँ या अल्लाह नहीं सुबहानो मानता ताला हूँ, फरमाता है सूरह शौरा में कि अल्लाह जिसको अपने चाहता लिए है उसको बड़ा बेटी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है वो दोनों देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको बांझ रखता है। ठीक है, तो औलाद अच्छा देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन आपके जो मेरे भाई अजमेरी बाबा हैं वो भी हाँ औलाद देते हैं माजअल्लाह, तो गोया आपने अजमेरी बाबा को माबूद बना लिया। और ऐसा ऐसा माबूद नहीं, बकायदा मेरे भाई एक जो मतलब जो हिजड़ा होता है किन्नर, वो अजमेर जाता है, वहां का एक फल होता है उसको खा लेता है, तो उसके भी औलाद हो भाई जाती है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा माजअल्लाह। तो आपके वहाँ तो पीर ये आपको बाबा किसने बताया कि आप जाते औरत हैं को वहां औलाद पे नहीं खुदा बल्कि मानते हैं हिजड़े को भी उनको? औलाद दे सकते हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह गाली भाई, गाली नहीं बक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मेरे भाई हिजड़े हैं किन्नर हैं उनके भी औलाद हो जाती है अगर वो रखने अजमेर जाते हैं दरगाह पे। तो वहां से उनको कुछ मिल गया था, उसे जाना है वहां पे। हाँ तो मेरे भाई एक काम कीजिए, हिजड़ों की मेरे भाई अगर औलादे हो रही है अजमेर से, तो हाँ यानी कि बोल रहा आप हूँ, उनको माबूद मान लिए ना, तो भाई क्यों ठीक महबूद है। क्यों मानेंगे, महबूद क्यों मानेंगे, अरे जिसको तो जहां से माबूद मानने का वहां से देखिए, मानेंगे, महबूद क्यों मानेंगे ये बताइए आप। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि तुम लोग अल्लाह के सिवा तुम जिन जिनको और पुकारते क्या। हो वो एक अच्छा बात मक्खी भी सुनिए, पैदा एक नहीं मिनट कर बात सुनिए, सकती, एक मिनट एक मिनट, आप मेरी बात वो सुनिए, मक्खी नहीं पैदा कर सकते, और मेरी आपके बात सुनिए, अजमेरी इससे बाबा पहले ने आप तो बात हिजड़े से सुनिए, बच्चा पैदा करवा बात दिया को तो सुन लें, आप वो पहले तो मेरी माबूद बोले हो, निकल से लें, बड़े बोले माबूद निकल हो लें, गए बोले आपके निकल लें, लिए। बोले निकल लें, बोले निकल लें, मेरी बात तो सुन लो दो मिनट के देखिए लिए। भाई चीखे चिल्लाइए ना, चीखने से आप हक पे नहीं आ नहीं, जाएंगे, मैं चीख दलाइल ही के रहा हक हूँ, पे अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे। मुझे अल्लाह आसानी सुबहानो हुई, ताला पहले से आपको फरमाता है सूरह आसानी की आपको अलबकरा जरूरत सूरह थी, नंबर आपको दो भूल रहा हूँ कि आयत नंबर ताला 111 आसानी, में, कुल हाथो आप फर्श पे आ बुरानकुम जाएं, इन्तुम कुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत पेश करो। तो जितनी बात मैंने कही है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे भाई मेरे अरे पास आप अच्छा सबूत नमाज की रखे प्राइस तो हुए बता हैं। दीजिए, नमाज की प्राइस तो बताएं, क्या चीज? नमाज के फराइज पूछे आपसे, वो तो बताएं आप पहले, सब अरे नमाज के फराइज हम सब बताएंगे, पहले तौहीद तो आप बताओगे, सीखिए। परसों बताओगे पूरा आज रात में। जब तक आप तौहीद, जब तक आप तौहीद का चैप्टर मेरे भाई कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आपको बिल्कुल नमाज कहाँ से बिल्कुल, बता आप ये देंगे? फालतू तो आप फालतू बातें कर रहे हैं, बिल्कुल आप ये देखो बातें। नमाज अरे की मेरे फराइज आप भाई बताएं, अगर इंसान को मेरे भाई आप डॉक्टर बनना है तो पहले उसको स्कूल जाना पड़ेगा ना, उसको 10वीं 12वीं पास करना पड़ेगा ना कि वो कह देगा नहीं डायरेक्ट भाई हमको डॉक्टर बना दो। तो आपको डायरेक्ट नमाज थोड़ी ना मेरे भाई आएगी समझ में, आपको पहले तौहीद सीखना पड़ेगा। अरे सुनो पहले मेरी बात सुनो, अच्छा तुम्हें नमाज के फराइज नहीं मालूम तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बात भाई खत्म करो, हमें सब फालतू मालूम है हाँ और खत्म आपको करो, मेरी तौहीद बात नहीं मालूम, तो आप मेरे भाई नमाज पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, नमाज आपके मुंह पे मैंने मार ये दी बताओ, जाएगी आपकी। पहले नमाज का तुमसे पूछा, नमाज का बता रहे थे, बात खत्म हो जाती, तो जरूरी है कि तौहीद के आपने बारे में शुरुआत में पूछता। क्या कहा था कि भाई हमें हमें
शुरुआत से बताइए तफसील से। तो मेरे भाई शुरुआत तौहीद से होती है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और आयत नंबर 116 में कि अल्लाह चाहे तो छोटे बड़े गुनाह माफ कर सकता है मगर शिर्क कभी नहीं माफ करेगा। तो शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब तक तौहीद को आप समझेंगे नहीं तब तक भाई जो शिर्क उससे मेरे भाई आप कैसे दूर रहेंगे। खाली इतना बता दो और शिर्क तो इतना बड़ा मेरे भाई गुनाह है कि अल्लाह के नबी को भी माफी नहीं है शिर्क की। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है अरे सुन तो लो। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 में ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे अमाल जाया हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला तो अल्लाह के नबी को वार्निंग दे रहा है कि ए नबी अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे सारे अमाल बिल्कुल जाया हो जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ पर है ये बताओ। क्यों अपनी बहन की मेरे भाई क्या और बात करने रिश्ते की ये गलत बोल रहा हूँ। ये सीख रहा हूँ मदरसे के अंदर। तो मेरे भाई घर वर कहाँ से आ गया बीच में बात चलिए शिर्क और तौहीद की। नहीं तुम घर पे आके क्या करोगे अपनी बहन के लिए मेरे भाई आओगे हाथ मांगने मेरा। नहीं हमें शादी नहीं करनी है भैया। एक बरेलवी के वहाँ से शादी की थी आज तक झेल रहे हैं अब नहीं भैया। एक होता है बरेलवी का दूल्हा भाई बनने से अच्छा है कि हम देवबंदियों के दूल्हा भाई बन जाए। ठीक है अब दूसरी बीवी हम देवबंदियों के यहाँ चलाएंगे। नहीं कोई तुम्हारे पास फोन करता होगा तुम्हारा रिश्तेदार या कोई कोई और भी करेगा तो नहीं तो तुम अपना बहनों अच्छा तुमने तुमने फोन करके क्या कहा था कि अफू मैडम तो खुद मेरे भाई फोन करते बदतमीजी करोगे तो तुमको अपना घर बताएंगे कहाँ है। वो मैंने नहीं कहा था वो किसी और ने कहा था। किसी और ने कहा था तो ऐसे मेरे भाई गालीबाजों को क्यों लाइन पे रखते हो। जूता उठा के पहले मारा करो उन लोगों को। कोई आपको फोन करेगा आपका रिश्तेदार। अरे मुझे फोन करेगा तो क्या मेरे से पूछ के फोन कर रहे हो क्या। हाँ भाई बहनोई साहब ये कहोगे। हाँ तो मैं तो बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ ये तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा सामने नहीं आ रहा छुपे बैठ। अरे मेरे भाई ससुराल में अपनी सामने जाता हूँ ना अपनी बीवी के सामने आता हूँ अपने मोहल्ले में सामने आता हूँ। अब तुम पता नहीं कहाँ गंदी नाली के कीड़े हो तुम्हारे सामने क्यों आएंगे। सामने तो हम तो सामने ही है ना तुम लोग मेरे भाई देख ही नहीं पा रहे हो। तो असल में इतना नूरानी चेहरा है कि तुम्हारी आंखों में इतनी अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी है कि इतना नूरानी चेहरा देख लो। तुम्हारे वहाँ के जितने मेरे भाई झोला छाप जो मेरे भाई वो नकली नूर अपने चेहरे पे चिपकाए रहते हैं उनसे भी ज्यादा नूरानी चेहरा है ना। तो तुम लोग की आंखें टॉम एंड जेरी की तरह अंदर बाहर हो जाएंगी। अच्छा तो ठीक है भाई नहीं मालूम। मैं इनकार कर रहा हूँ कि मुझे आपकी बहन से शादी मेरे भाई एकदम नहीं करना है। मेरी शादी हो चुकी है आप अपनी बहन की कहीं और शादी कर लीजिए बड़े भाई। नहीं रोने की जरूरत नहीं पैर ना पकड़िए मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं 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 मैं नहीं मानने आता पैर मत पकड़ो रो मत भाई हम नहीं शादी करेंगे। एक बार कह दिया ना तो ना मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बहुत अच्छी है मैं उसके साथ खुश हूँ मुझे दूसरी शादी करने का भी शौक नहीं है। हाँ ये है कि जब कभी करना होगा तो आपको फोन करके बता देंगे आप आ जाना रिश्ता लेके। ठीक है फोन निकालना। हाँ तो भैया इनकार कीजिए कि अपू भाई मैं सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला की इबादत करता हूँ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ। इयाक नअबदु व इयाक नस्तईन ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इस आयत पे जब तक आप ईमान लाएंगे नहीं तब तक नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं है क्योंकि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है चैप्टर का नाम है अल अजान और हदीस का नंबर है 756। अल्लाह के नबी ने फरमाया और उसकी नमाजी नहीं होती है जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो अगर सूरह फातिहा आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आयत भी आपको पढ़ना पड़ेगा इयाका नअबदु व इयाका नस्तईन ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये आयत अगर आप पढ़ेंगे और इस पे अमल नहीं करेंगे इस पे ईमान आप नहीं रखेंगे तो नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो पहले अपना तौहीद सीखिए और तौहीद कोई बरेलवी आपको सिखा नहीं सकता। तौहीद अगर आपको सीखना है तो अहले सुन्नत अहले हदीस आलिम दीन की सोबत आपको इख्तियार करना है। अहले सुन्नत अहले हदीस के जो उलमाए हक हैं वही तौहीद आपको बता पाएंगे। बाकी किसी बरेलवी जाहिल को तौहीद का आता पता ही नहीं है वो शिर्क में डूबे हुए हैं मुशरिक है। अरे सुन तो ले कम से मेरी सुन जगदीश छोटा वो
ये बताइए जो मेरे भाई गौसे आजम हैं, आप लोग रो रो के दुआ करते हो, ऐ गौसे आजम अगर आप नहीं माफ करेंगे तो कौन माफ करेगा, ये सबसे बड़ा शिर्क है। आप लोग जो मेरे भाई जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप उनके सामने मेरे भाई हाथ उठा के उनसे दुआ मांगते हो कि ऐ ख्वाजा गरीब नवाज आज आप दूल्हा बने हैं और हमारी बात आप मान लीजिए, हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। रो रो के जो कब्रों में वो सुन नहीं सकते और आप उन कब्र वालों को सुना रहे हैं, अपनी फरियाद बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है सूरह फातिर आयत नंबर 22 में कि ऐ नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, तो अल्लाह के नबी नहीं सुना सकते उनको जो कब्रों में है, और तुम्हारे जैसे झोला छाप लोग वो दरगाह मजार आस्थाने के अंदर जो दफन है सैकड़ों सालों से आप उनको सुना, उनको आपके हाल की खबर भी नहीं है।